मैंने कहा कि ए बी सी थ्री पर्संस हैं और कितने रुपए डिवाइड करने हैं, 2400 रुपीज डिवाइड करने हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि ए का तीसरा हिस्सा बराबर है बी का चौथा हिस्सा बराबर है बी का सी का पांचवा हिस्सा। दोबारा से बोल रहा हूं, ₹2400 वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए मैनर दैट थर्ड पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट ऑफ बी इज इक्वल टू फिफ्थ पार्ट ऑफ सी। देखो इन सब कंडीशंस के बीच में इक्वल का साइन है और हमें बताना है फाइंड द इंडिविजुअल शेयर ऑफ ए। तो इसको हमें कैसे करना है? 600 800 600 हर किसी का बताना है, ए का भी बी का भी और सी का भी। ए का 600 800 1000 बी का 800 600 800 1000 एक बार देखते हैं। आप जिसके भी आंसर आगे अपने पास लिख ले, बस कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, जब भी ऐसा केस आया तो मैं कहता हूं कि हमेशा रेशियो जो होगा ना, ये जो नीचे वाली वैल्यूज होंगी 3 4 5 अगर ऊपर इक्वल टर्म्स हैं, देखो ऊपर इक्वल टर्म्स हैं, ए के साथ 1 है, बी के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही ना। अगर ऊपर इक्वल टर्म्स हैं तो नीचे वाली टर्म्स डायरेक्ट रेशियो बन जाती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे, ऐसे हम रट्टा तो नहीं मारेंगे, चीजों को समझेंगे, आइए कैसे ये समझना जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूं ए का थर्ड पार्ट इक्वल है बी के फोर्थ पार्ट के इक्वल है सी के फिफ्थ पार्ट के, तो वो किसी ना किसी चीज के बराबर तो होगा ना, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होंगी जिसके बराबर है ए का तीसरा हिस्सा बराबर है बी का चौथा हिस्सा बराबर है सी का पांचवा हिस्सा। तो वो वैल्यू मैंने मान ली के, क्या मान ली वो वैल्यू मैंने, के मान ली। तो ए की वैल्यू क्या आई, 3 into k हो गया है ना। अगर a by 3 is equal to k है तो a आ गया 3k और b by 4 is equal to k है तो 4k से मल्टीप्लाई हो गया, तो b की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अपनी वैल्यू क्या आ गई 4k और c की अपनी वैल्यू क्या आ गई एक्चुअल 5k, सेम लॉजिक से। और जब आप रेशियो लोगे a b c का तो 3k रेशियो 4k रेशियो 5k, क्या चीज कैंसल आउट हो जाएगी जब आप रेशियो लोगे तो के और के, तो क्या रेशियो बचा 3:4:5। लेकिन एग्जाम में ऐसे तो नहीं करेंगे ना, इतना बड़ा प्रूफ थोड़ा ना करके दिखाएंगे कि ऐसा हो, तो हमने एग्जाम में तो डायरेक्ट करना है। ध्यान से सुनना, अगर अगर ऊपर वाली टर्म्स बराबर है, जैसे बराबर है 1 1 कुछ भी नहीं है तो 1 तो लगा ही हुआ ना, 1 into a 1 into b 1 into c, समझ गए, तो नीचे वाली टर्म्स रेशियो बन जाती, तो 3:4:5 डायरेक्ट। ये ट्रिक हो जाएगी आपके लिए, आपके विद इन 5 सेकंड रेशियो पता लग गया आपको। अब 3:4:5 में पैसा बांटना है, कितना पैसा है टोटल पैसा कितना है 2400। अब बांटना तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था, जो हमने रेशियो की फर्स्ट क्लास की थी। 3 4 5 लो, 3 4 7 और 5 कितने यूनिट हुआ, 12 यूनिट हुआ। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 2400 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 200 रुपए हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, तो 3 की वैल्यू जल्दी बताओ, 200 into तो 3 कितना हुआ 600, 200 into 4 कितना हुआ 800, 200 into 5 कितना हुआ 1000। ठीक है, ये तब है नीचे वाली टर्म्स रेशियो कब है बताओ, जल्दी बताओ नीचे वाली टर्म्स रेशियो कब है, वो वाली टर्म्स और बीच में इक्वल का साइन भी है, ये मत भूलना बीच में इक्वल का साइन है ये। ठीक है, अगर बराबर ना हो ऊपर वाली फिर क्या करेंगे वो मैं समझाता हूँ, अभी मैं 2-3 मिनट में आगे समझाता हूँ, पहले आप इस चीज की चल लो अच्छे से। सर ये एलसीएम से हो सकता था? हाँ एलसीएम से भी हो सकता है, लेकिन ये चीज ट्रिक बहुत ही फास्ट है जो मैंने बताई है। देखो एलसीएम लेने की जरूरत क्या है, आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ए बाय 3 बी बाय 7 सी बाय 8 और डी बाय
सपोज 4 है, ठीक है जी। अब आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना है। एलसीएम की सिचुएशन अलग बताऊंगा, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। मुझे आप बताओ ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी क्या हुआ, जल्दी बताओ। रीजन क्या है, आपको क्या रीजन लग रहा है? इक्वल साइन, क्योंकि इक्वल का साइन देख लेना है आपने, ठीक है। और ऊपर वाले जो ए बी सी डी हैं, ए पर्संस, इनके साथ इक्वल वैल्यू लगी हुई है। मतलब कुछ भी लगा हुआ तो वन वन तो है ही ना, वन इंटू ए, वन इंटू बी, वन इंटू सी। तो आपने विद इन 5 सेकंड बता दिया ये जो रेशियो है 3:7:8:4 है। अब कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, आप कर पाओगे। बोलो, अब ये वाला फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir. अब अगले फंडे की तरफ बढ़ रहा हूं कि मान लो ऊपर वाली टर्म्स बराबर ना हो तो क्या करेंगे। आइए देखो, अब ध्यान से बताना मुझे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर 5/3 लिखा हुआ है तो क्या उसको 1/3/5 लिखा जा सकता है? पहले yes, लिखा जा सकता ना? Yes, sir. So, अगर मैं कहूं आपके सामने 7/9 लिखा हुआ है तो उसको क्या 1/9/7 घूम के 7/9 यही बन जाएगा, है ना? मानते हो इस बात को? अच्छा एक चीज और बताओ, अगर 3/4 ए लिखा हुआ है तो घूम के क्या बन जाएगा? 4/3, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपके सामने 2/5 भी लिखा हो तो घूम के क्या बन जाएगा? वेरी गुड। और अगर आपके सामने 1/3 से लिखा हो तो घूम के क्या बन जाएगा? लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैंने आपको रेशियो में एक चीज बताई हुई है? अगर ऐसा कुछ दिखे 2/3:1/4:3/5, ये रेशियो गलत तो नहीं है, लेकिन रेशियो को हम थोड़ा सिंपल बना लेते थे। कैसे बनाते थे याद है? डिनोमिनेटर्स, ये 3, 4, 5, ये बीच में कैसा साइन है? रेशियो का साइन है। तो हम क्या करते थे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते थे। कैसे करते थे सिंप्लीफाई? इस 3, 4 और 5 का क्या ले लेते थे? एलसीएम। एलसीएम लेके 60, क्या आया एलसीएम? 60। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 60 होता है। पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म क्या हुई? 40। 40:50:36 सेकेंड टर्म क्या हुई? 60:1/4:15 थर्ड टर्म क्या हुई? 60:3/5:36 बोलो, समझ आया? ये तो हमने किया हुआ है ना? यस सर। ओके यस सर। आप मुझे बताओ ये चीज, सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ए बी सी में कुछ मनी डिवाइड की गई, और कैसे की गई कि 3/4a, मैं रब कर देता हूं इसको, 3/4a = 2/5b = 1/3c बोलना। 3/4a = 2/5b = 1/3c ये क्वेश्चन है कि ए बी सी में कुछ मनी डिवाइड की गई और इस तरह से की गई कि 3/4a = बीच में इक्वल का साइन है, 2/5b = 1/3c, ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन भी है, और हमें निकालना है व्हाट इज ए रेशियो, बी रेशियो, सी, 4:5:1। तो एकदम से ये दिखते ही a/4/3 लिखा जा सकता है इसको, 3/4a को क्या a/4/3 लिखा जा सकता है? यस। और 2/5b को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बताओ? 5/2। और इसको क्या लिखा जा सकता है? c/3/1 लिखना तो लिख लो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है।
जल्दी नहीं, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले टर्म्स ए बी सी के साथ वन वन आ गया एक तरह से, जैसे ये बराबर आया, जैसे ये बराबर आया और बीच में इक्वल का साइन दिखा, तो हमने क्या कहा था के बराबर रखना है, वो तो अब डायरेक्ट शॉर्टकट सीख गए कि नीचे वाली टर्म्स डायरेक्ट रेशियो हो जाएंगी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4/3 रेशियो 5/2 रेशियो 3/1, ये किसका रेशियो आया प्यारे बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी का आया, लेकिन क्या ये रेशियो सिंप्लीफाइड रेशियो है, नहीं है, तो इस रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूं, जल्दी बताओ इसका एलसीएम 3, 2 क्या होता है, 3, 2, 1 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 8:15:18. तो जब आप ये सीख गए तो आप पता क्या करोगे, डायरेक्ट इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाओगे डायरेक्ट, ये 4/3 रेशियो 5/2 रेशियो 3/1, और आपने डायरेक्ट क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। बताओ कितने बच्चों को समझ आया, या मैं एक और एग्जांपल लेके समझाऊं, आ गया समझ? Yes, sir. आओ एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर आप और क्लैरिटी होगी। 1/2a इज इक्वल टू 2/3b इज इक्वल 1/5c इज इक्वल टू 3/4d। अब d तक पहुंच गया मैं, अब डायरेक्ट इसको देखते ही डायरेक्ट स्टेप a अपॉन 2/1 आएगा, और वो रेशियो 4:3:10। मैं बीच वाले स्टेप बाईपास कर रहा हूं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट यहां पे पहुंच गया, यहां तना पड़ता बेटा a अपॉन 2/1 b अपॉन 3/2 c अपॉन 5/1 एंड d अपॉन 4/3 करना पड़ता, फिर आप कहते कि ऊपर तो बराबर है 1:1:1:1:1 है, वो तो हमने ये नीचे लेके इसलिए गए ना ताकि ऊपर बराबर हो जाए और अपनी पहले वाली ट्रिक लगा सके, तो ये 2/1 ये आ गया, 3/2 ये आ गया, 5/1 ये आ गया, 4/3 ये आ गया, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम लेना जल्दी बताओ, 1:12:9:30:8 1:2:1:3 का एलसीएम 6 ही होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो आंसर आया 9:30:9:30:9 क्या आया 3:8 और कट करके 4:3:10:4 ये कट ही नहीं हो सकता, कट क्यों कर रहे हो आप, 12:2 मेरा सर 12 आया था, सॉरी, ये ना बेटा 6 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 × 24/3 = 8 हो गया, अगर आपने गलती से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत नहीं है, लास्ट में कट के तो यही आना है सिंप्लीफाई, ठीक है, अगर आपने 6 की बजाय 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, तो वो गलत तो कुछ भी नहीं है, आप एलसीएम से कर लो, किसी भी कॉमन मल्टीपल से कर लो, हम एलसीएम से इसलिए करते हैं, लीस्ट से इसलिए करते हैं बेटा कि ताकि बाद में काटना ना पड़े, अगर आपने कॉमन मल्टीपल्स 6 की बजाय 12 से भी कर लिया तो गलत तो कुछ नहीं है, आपका 24:18:60:16 आ गया होगा, बात वही है, कट के यही आएगा। अब समझे इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी निपटा सकते हैं, अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ अगले का, सभी बच्चे अब करेंगे और मुझे 10 सेकंड में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, और माइंड के अंदर वो भी 3/2a इज इक्वल टू 4/3b इज इक्वल टू 1/2 of c इज इक्वल टू 5/2d व्हाट इज a रेशो b रेशो c रेशो d आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज टेल मी सर 40:45:120:24
चलो यशिका मैम दृष्टि और भी बोलो सारे हो गए 40:45:120:24 आइए करा देते हैं अब डायरेक्ट स्टेप करना है अब तो आप सीख गए क्या 2/3:3a 3/4:b/1:2/5 यहां तक हो गया डायरेक्ट हो गया अब किससे मल्टीप्लाई करूं शाम बताइए 60 से पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ बोलो 40 45 और क्या होगा 124 कुछ कॉमन तो नहीं है जिसपे काट पाए नहीं ना तो यही हमारा आंसर हो गया अब होपफुली सबको ये बात समझ आ गई होगी अब जल्दी से एक बात बताओ देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा अगर ऐसा कुछ आ जाए 3a = 4b = 5c 3:4:5 बेटा वो अलग था क्वेश्चन वो ये था जिसका वो ये था बेटा आपने गड़बड़ कर दी और मेरे को लग रहा था करोगे ये क्वेश्चन अलग है सर 20:12:15 पहले मुझे ये बताओ 15:12 आपको इन दोनों केसेस में फर्क समझ आया ये केस है ये केस टू है इन दोनों केसेस में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है इसमें 3 नीचे है और बीच में कैसा साइन है इक्वल का अगर इसका आंसर पूछा होता तो होता 3:4:5 जो हमने पहला केस किया था यहाँ पे 3a/1 है लॉजिकली और 4b/1 है लॉजिकली और 5c/1 है तो डायरेक्ट स्टेप क्या बना a/1/3 तो 1/3:1/4:5 अब आप किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा 4 5 का एलसीएम 60 से 20:15:12 जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 × 1/3 = 20 60 × 1/4 = 15 और 12 तो इस क्वेश्चन का आंसर जो ये वाला क्वेश्चन है ये इसका आंसर आया 20, 15 और 12 और इस क्वेश्चन का आंसर 3, 4, 5 जमीन आसमान का फर्क है दोनों क्वेश्चंस में अब ध्यान से सुनो मेरी बात एक और अगर ऐसा केस आ जाए ना तो आप वन यहीं से भी डायरेक्ट एलसीएम भी उठा सकते हो इस केस में जब नीचे 1 1 है इसे एलसीएम उठा सकते हो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा बेटा 60 तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 आता है 20 से 20 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 आता है 15 से 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 60 आता है 12 से तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो बात वही है लॉजिकली बात वही है जैसे मर्जी कर लो आप ठीक है एक और करके दिखाओ अगर ऐसा आ जाए 2a = b = 3c = 5d अब जल्दी बताओ a/b/c/d क्या होगा अब आपको दिखा नीचे तो कुछ भी नहीं है 1 1 है नीचे 3:30:10:6 आपको दिखा नीचे 1 1 है ठीक है तो आप डायरेक्ट एलसीएम उठा दो आप ठीक है डायरेक्ट एलसीएम उठाएंगे जब हम 2 1 कुछ भी नहीं है तो 1 है ना 3 5 का 2 1 3 5 का एलसीएम क्या होगा 30 2 1 3 5 का एलसीएम क्या होगा 30 तो ये 15 आया और ये 30 आया 1 × 30 = 30 ये 10 आया 10 6 आया a/b/c/d क्या बन गया बताओ 15:30:10:6 कुछ कटता तो काट सकते नहीं तो यही आंसर है हमारा अब आपका पता क्या आप आंसर को चेक भी कर पा रहे हो
अगर आपको है कि हमारा आंसर गलत है या सही है, चेक करो. 2a 2 into 15 30 हो गया है ना. 1b कुछ भी नहीं है तो 1b है वो. 1 into 30 30 हो गया. 3c 3 times of c 3 into 10 30 हो गया. ठीक है. 5d 5 into d की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है. 5 into 6 कितना हुआ, 30 हो गया. तो आप क्या है, अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया. बोलो, ये वाली टाइप आप सबको समझ नहीं आई,